जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने परिवार रोजगार विद ज्ञान में। आज हमारी पॉलिटी की अगली क्लास है, पुनः मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ पॉलिटी की क्लास लेकर। मैं आपको पढ़ा चुका हूँ पिछली क्लास में प्रस्तावना के बाद मैंने आपको बताया था कि इसके बाद हम पढ़ेंगे क्या, संघ राज्य क्षेत्र भाग नंबर एक। अब देख लेते हैं भाग नंबर एक क्या है और आर्टिकल नंबर एक से लेके हम चार तक इसमें देखेंगे। आप एकदम बने रहें, कंटिन्यू रहें एकदम विश्वास के साथ, हमारी क्लास पूरी ही देखना और कंटिन्यू करना और बिल्कुल साथ लेते रहना। ओके, चलते हैं हम, क्या देखेंगे हम भाग नंबर एक। हमारे संविधान में मैं आपको बता चुका हूं शुरू में ही भाग कितने हैं, वर्तमान में 25 प्लस हैं और वैसे मूल संविधान में दे रखे तुम्हारे 22। तो हमारा जो आर्टिकल है 395 दे रखे हैं और प्रेजेंट में है 465 प्लस। तो ये सब जो बांटे गए हैं ना भागों के अंदर रखे गए, इसके अंदर भाग के अंदर। तो हम कहां से उठाएंगे, भाग के क्रम से हम लेते हुए चलेंगे, आप इस तरीके से समझते चलना, ठीक है। भाग नंबर एक, भाग एक, भाग एक में क्या है राज्य, भाग एक में संघ और उसका राज्य क्षेत्र, संघ और उसका राज्य क्षेत्र। भाग हमें एक ये बताता है क्या, भाग के अंदर ये बताता है संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। हम संघ के बारे में आपको बताएंगे, पर हम शुरू में बता देते हैं अनुच्छेद क्या दे रखा है इसके अंदर, भाग एक के अंदर अनुच्छेद 1 से लेके 4 में राज्य, 4 में राज्यों और संघ राज्यों का क्षेत्र होगा और संघ राज्यों का क्षेत्र होगा। ये कहां पर दे रखा, 1 से लेके 4 में। अब आर्टिकल नंबर देखते हैं हम क्या, एक, एक में क्या दे रखा है। अनुच्छेद नंबर एक में, अनुच्छेद नंबर एक किस चीज को परिभाषित करता है या प्रस्तुत करता है इस तरीके से दे रखा है। आपसे कोई क्वेश्चन करने लगे कि आर्टिकल नंबर एक क्या है तो आप कैसे समझाएंगे उसे, आपसे कोई पूछने लगे कि आप बताइए अनुच्छेद नंबर एक क्या है तो मैं आपको इसकी समझ बनाऊंगा, आप बस क्लास को हमारी कंटिन्यू करते रहें। अनुच्छेद नंबर एक में भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा, क्या दे रखा है, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा, क्या दे रखा, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ, संघ होगा। इसमें एक शब्द आपने देखा होगा, संघ क्या है, आपने क्या देखा, संघ आपने नाम सुना होगा क्या, संघ और संघीय, जैसे बोलते हैं हम यूनियन। भारत क्या है, एक यूनियन और एक आपने सुन रखा होगा फेडरेशन, संघीय और संघ। इसका एग्जाम्पल देखते हैं हम, जैसे कि आपने देखा होगा अमेरिका एक देश है, वो कैसा देश है, एक संघीय देश है। संघीय का मतलब यह होता है अमेरिका देश किसी समझौते का परिणाम नहीं है। इस तरीके से मान लीजिए जैसे कि अमेरिका है, अमेरिका देश में राज्य हैं छोटे छोटे,
इस तरीके से वो अपने अपने राज्य एक अलग महत्व रखते हैं। इसी तरीके से हमारा भारत कभी भी संघ से अलग नहीं हो सकता। ये कहीं भी इस पे किसी भी राज्य पर कोई भी बाहरी आक्रमण होगा तो एक राज्य की हिफाजत करेगा, इस तरीके से आप समझ सकते हैं। आपसे ये पूछे आर्टिकल नंबर एक में क्या है, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा। क्या दे रखा है, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा। आप कर लीजिए, आर्टिकल नंबर एक ही में भारत के दो नाम दे रखे हैं, आप ये भी नोट कर लेंगे। अनुच्छेद एक में क्या है, भारत भारत एंड इंडिया। क्या नाम है भारत का, भारत के दो नाम लिए गए हैं, भारत और इंडिया, किसमें रखा गया, आर्टिकल नंबर एक में। सही है सर, बड़े ठीक है, आप नोट करते चले जाएं। ठीक है, मैं बता चुका हूँ भारत किसी भी संविदा या समझौते का परिणाम नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं आगे हम। संघ तथा उसके राज्य क्षेत्र में शामिल होंगे, संघ तथा उस के राज्य क्षेत्र में शामिल होंगे। ये अभी आर्टिकल नंबर एक ही है, क्या शामिल होंगे, आर्टिकल नंबर एक क्या कहता है, मैं आर्टिकल नंबर एक अपने आप को दर्शाता हूं, क्या मेरे अंदर 28 राज्य, मेरे अंदर पूरा भारत 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश और प्रथम अनुसूची की विषय दे रखे हैं। कितने राज्यों का क्षेत्र कितने 28, संघ राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं 8। ये कहां पर है, आर्टिकल नंबर एक आर्टिकल नंबर एक ही में दर्शाया गया है 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश। पहलू अनुसूची में पहली अनुसूची में भी विनिर्दिष्ट विषय, मान लीजिए आपने कोई नया राज्य बनाया, इस तरह समझिए आपने कोई नया राज्य बनाया तो कहां पर आएगा वो, आर्टिकल नंबर एक में और अनुसूची एक में। इसी तरीके से आपने क्या करा, कोई केंद्र शासित बनाया तो किस में आएगा, आर्टिकल नंबर एक में ही आएगा। ठीक है, आप नोट कर सकते हैं इसे। बता देना मुझको, ठीक है, आप पढ़ चुके होंगे, थोड़ा सा मुझे काम आ गया था मैं इसलिए चला गया था फूल का। ओके, अनुच्छेद नंबर अब देख लेते हैं क्या, आर्टिकल नंबर दो, आर्टिकल नंबर दो में क्या दे रखा है, इस तरीके से आप समझ सकते हैं। अनुच्छेद नंबर दो,
अनुच्छेद नंबर दो में नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना, क्या अनुच्छेद नंबर दो में नए राज्यों का प्रवेश, नए राज्यों का प्रवेश या आप ये समझिए, अनुच्छेद नंबर दो में क्या कहा, नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। मैं आपको समझाता हूं, प्रवेश का मतलब होता है न्यू राज्य। कैसा, आप गए होंगे कहीं बैंक के अंदर है, कहीं पर जाते हैं तो आपने देखा होगा प्रवेश करना या एंट्री लिखा होगा, आपने देखा होगा अक्सर। इसमें क्या होता है, कोई नया आदमी इसके अंदर प्रवेश कर रहा है तो क्या होता है, हम किसी बाहरी क्षेत्र, मान लीजिए भारत है हमारा, समझिए भारत है, भारत में हमने मान लीजिए दक्षिण से श्रीलंका से कोई भूभाग उठाया, हमें इसे अपने देश में शामिल करना है तो किसके तहत करेंगे, आर्टिकल नंबर दो के तहत, सही है। ये क्या होगा, प्रवेश कर देंगे। अब स्थापना, स्थापना का मतलब होता है जो पहले से ही हो, लिख सकते हैं आप, जो पहले से ही हो या जो पहले से ही था, ठीक है। यहां पर लिख देता हूं, प्रवेश का मतलब क्या होता, न्यू राज्य, और इसमें क्या था, जो पहले से ही था, जो अब क्वेश्चन ये उठता है, ये अधिकार किसके पास है, किसी राज्य को, किसी बाहरी क्षेत्र को राज्य में, भारत में प्रवेश करने का अधिकार किसके पास है, ये अधिकार संसद के पास है। संसद को अधिकार है वह भारतीय क्षेत्र में संसद को अधिकार है, संसद को अधिकार है वह अधिकार है वह भारतीय क्षेत्र में किसी राज्य का प्रवेश या स्थापना कर सकती है। किसे अधिकार है, संसद को, संसद को ही एकमात्र अधिकार है किसी भी राज्य का स्थापना या प्रवेश करना, किसे, संसद को। आप उतार सकते हैं आर्टिकल नंबर दो भी। अब देखेंगे आगे हम अगला आर्टिकल, आर्टिकल नंबर तीन, देखिए आर्टिकल नंबर तीन और दो में अक्सर कंफ्यूज रहती है बच्चे, बड़ी आसानी से समझ में नहीं आता आर्टिकल नंबर दो। जैसे मैंने आपको समझाया आर्टिकल नंबर दो में क्या है, बाहरी क्षेत्र से, किस, कहां से, बाहरी क्षेत्र से भारत के अंदर किसी राज्य को प्रवेश करना, कहां से आ गया ये, आर्टिकल नंबर दो के तहत। अनुच्छेद नंबर तीन,
अनुच्छेद नंबर तीन में राज्यों के राज्य के नाम या सीमा में परिवर्तन क्या आया? आर्टिकल नंबर तीन ये कहता है कि आप कोई राज्य है, मान लीजिए ये राज्य है, ठीक है, ये एक राज्य है। जैसे कि आपने देखा होगा 2014 में आंध्र प्रदेश से, आप इसका एग्जांपल जानते होंगे, समझा रहे हो, आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अपने आप में आजाद हुआ, क्या हुआ, तेलंगाना को बनाया गया अलग राज्य। तो इसका मतलब ये है कोई भारत के अंदर राज्य है, तो उस राज्य का बड़ा राज्य है, एक बड़े राज्य से हम अधिक राज्य बना सकते हैं, या दो से अधिक छोटे राज्यों से हम एक बड़ा राज्य की स्थापना कर सकते हैं। मान लीजिए कोई छोटे छोटे राज्य हैं, एक एग्जाम्पल के तौर पर ले लीजिए, जैसे कि बिहार ले लिया हमने और यूपी ले लिया एग्जाम्पल के तौर पर, हमें क्या बनाना है, इन्हें एक बड़ा राज्य मिक्स करना है एक, तो हम किसके तहत करेंगे, आर्टिकल नंबर तीन के तहत। समझ में आ गया होगा आपके। राज्यों के नामों और सीमा में परिवर्तन, आपको याद क्या करना है, नाम और सीमा में परिवर्तन, सही है। संसद को अधिकार है, लिख लेंगे हम, संसद को किसको अधिकार है, संसद को अधिकार, संसद को अधिकार है कि संसद संसद दो या अधिक छोटे राज्यों को मिलाकर एक बड़ा राज्य बना सकता है। किसको अधिकार है, संसद को अधिकार है कि दो या दो से अधिक छोटे राज्यों को मिलाकर एक बड़ा राज्य बना सकता है। या एक बड़े राज्य से दो या अधिक छोटे राज्य का निर्माण, या एक बड़े राज्य से दो या अधिक छोटे राज्यों का निर्माण कर सकता है। इस तरह समझ लीजिए, कोई बड़ा राज्य है, मैंने एग्जाम्पल बताया आपको, आंध्र प्रदेश 2014 में 2 जून, ये 2 जून हाँ, अलग एक तेलंगाना राज्य बना दिया गया। इस तरीके से आप समझ सकते हैं, बड़े राज्य से हम छोटा राज्य बना सकते हैं, ठीक है, आप नोट कर लीजिए।
सीमा सीमा क्षेत्र क्षेत्र सीमा क्षेत्र नाम संसद का एक अधिकार है। सीमा क्षेत्र नाम संसद का एक अधिकार है। क्या अधिकार है संसद का? संसद को ही अधिकार है किसी राज्य के सीमा में, किसी उस राज्य के क्षेत्र में और नाम में परिवर्तन कर सकती है। कौन? संसद। नोट करते जाइए आप हाथों हाथ। देखिए ये क्वेश्चन ये बनता है, जैसे कि हमने संशोधन किया किसी देश का, राज्य का हमने संशोधन किया एक छोटा राज्य या बड़ा राज्य बनाने के लिए, क्या ये आर्टिकल नंबर 368 के अंदर आता है या नहीं? तो ये क्या है, ये आर्टिकल नंबर 368 के अंदर नहीं आता। आर्टिकल नंबर 368 क्या है? एक संशोधन की प्रक्रिया है, उसमें तीन प्रकार से संशोधन होता है। नंबर एक सामान्य, एक साधारण और एक विशेष बहुमत। तो हमारा ये जो है ना, क्या राज्य में या क्षेत्र सीमा में परिवर्तन अधिकार जो संसद को, ये सामान्य बहुमत से हो जाता है। खाली किससे? सामान्य। तो आप पढ़ सकते हैं यहां पर अनुच्छेद 368 का उपयोग नहीं होगा। ये इंपॉर्टेंट है, घुमा देता आपसे, क्या पूछ लेगा आपसे कि 368 का उपयोग होगा या नहीं होगा। अब देख लेते हैं क्या आर्टिकल नंबर 4 अनुच्छेद नंबर अनुच्छेद नंबर 4 में क्या रखा है। जो आर्टिकल नंबर 2 और 3 में जो कहा है उसका ही वर्णन किसमें? आर्टिकल नंबर 4 में है। अनुच्छेद 2 या 3 में जो वर्णन है, एक मिनट, दो या तीन में जो वर्णन है वही अनुच्छेद नंबर 4 में है। इन दोनों के बारे में कौन बताता है? आर्टिकल नंबर 4 बताता है। आप नोट करिए एक मिनट, ठीक है, आपने नोट कर चुके होंगे। मैं आशा करता हूं एकदम आप इत्मीनान के साथ नोट करते चल रहे होंगे हमारी क्लास। देखिए 1 से लेके हमने 4 तक आपको बिल्कुल विधिवत एकदम आसान तरीके से समझाने की कोशिश की है। आप एकदम इत्मीनान के साथ हमारी क्लासें कंटिन्यू करते रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें। और आप ही की मेहरबानी से हमारा चैनल आज 8000 प्लस हो चुका है। बस आपका ही सपोर्ट रहा तो जल्दी ही हम 10000 के प्लस पहुंच जाएंगे। थैंक यू। ओके।